हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स अकर्स इन, सो द की कंसेप्ट हियर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स। यहां नाम ही सजेस्ट कर रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, यानी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, they are called as extra nuclear chromosomes. So generally chromosomes present कहाँ होते हैं? वो nucleus में present होते हैं, लेकिन other organelles में भी chromosome मिलता है, जैसे कि mitochondria में और chloroplast में। और यहां पे जो chromosome मिलता है उसे हम कहेंगे extra nuclear chromosome. और ये क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कैरेक्टर्स। सो अब क्वेश्चन में पूछा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स अकर्स इन, फर्स्ट ऑप्शन है पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम। तो अगर हम पेरोक्सिसोम की बात करें तो ये वेसिकल्स हैं जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स में होता है आरआरएनए और प्रोटीन्स। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के केस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वो आउटसाइड द न्यूक्लियस है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। थर्ड वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्रोमोसोम प्रेजेंट है लेकिन राइबोसोम के केस में एब्सेंट है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम, तो क्लोरोप्लास्ट में तो प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम, लेकिन लाइसोसोम्स क्या है? दीज आर द वेसिकल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Hope you understood it well. Best of luck.